ये स्टैश बहुत ही अलग तरह की फिल्म है। मैंने जिस तरह की फिल्में करी है अभी तक, ये अलग जॉनर है, ये जॉनर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। रिवेंज ड्रामा और थ्रिलर। बट मैं बहुत एक्साइटेड था बिजॉय के साथ काम करने के लिए, और मुझे वो मौका मिला। आई वाज लुकिंग आउट लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम, तो मैंने झट से हड़प लिया वो मौका। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बिजॉय को मेरे पे फेथ था, मेरे पे भरोसा था कि मैं सनी का कैरेक्टर निभा सकता हूँ मूवी में, और मुझे भी कुछ अलग करने का मौका मिल रहा था कि एक जैसे काफी लोग बोल रहे हैं एंग्री यंग मैन, तो कुछ थोड़ा लवो बॉय इमेज से हटके समथिंग डिफरेंट, थोड़ा मोर चैलेंजिंग एंड ऑल्सो अ लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इट विल बी वेरी स्टूपिड इफ यू डोंट लर्न लर्न समथिंग फ्रॉम अ बिजॉय नाम्बिया से। तो मैं तो मतलब एक स्कूल के छात्र की तरह भी बैठा रहता था। एंड मैं आपका लुक देख रहा हूँ, ये बड़े बड़े बाल एंड बियर्ड, कुछ बताइए आपकी अपकमिंग फिल्मों का लुक है या फिर ऐसे आपने लॉकडाउन में, आप बताइए। नहीं यार, आलिम हाकिम जो है वो एक्चुअली वो जो डिसाइड करते हैं मेरे लिए, मैं कर लेता हूँ ऐसे बाल। यार जैसे तैश में भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार ये बाल ऐसे अच्छे लगेंगे, फिर मैंने कहा चलो ठीक है करके देखते हैं, और वो बहुत अच्छा लगा सबको। सो वी केप्ट दैट लुक, ग्रे एंड व्हाइट एंड ब्लैक काइंड ऑफ थिंग। लॉकडाउन में भी मैंने तो उन्हें बहुत बारी बोला काट दो यार, थोड़े फिर से छोटे कर रहा हूँ। ही सेड नहीं, थोड़ा ग्रो करते हैं, अच्छा लग रहा है। मैं कहा ठीक है फिर करते हैं, नो प्रॉब्लम। सो आई जस्ट ब्लाइंडली हैव ट्रस्ट इन हिम, व्हाटएवर ही सेज। कल बोलेंगे काट दो तो काट लेंगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आप ऐसे राजा महाराजा वाला ऐसा लुक लुक आप ऐसी कोई फिल्में करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा आपको। नहीं तो नहीं काटेंगे फिर। अच्छा, फिल्म की मैं अगर बात करूं, डैश की अगर बात करूं, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, आप हैं, प्रतीक हरबंदा जी हैं एंड हर्षवर्धन राणे हैं, जिम सरब है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ में पुनकित जी जब आप काम करते हैं तो कैसा होता है एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ बता सके इन सभी के साथ का एक्सपीरियंस। यार मेरी वन ऑफ द एक्साइटमेंट इसी चीज को लेकर थी कि इसमें कृति भी होने वाली है, जिम भी होने वाला है, हर्ष भी होगा, संजीता भी होंगी, सलोनी बत्रा होंगी, विराफ होगा, अरमान केदा, सौरभ सचदेवा, मेरे को अंकुर राठी, जोआ, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम जिसमें इतने सारे लोग हैं कि मतलब मैं टैलेंट्स के नाम ले लेके खत्म नहीं होते नाम, इतने टैलेंटेड लोग हैं इस मूवी में, और मुझे सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। एंड दैट कॉम्बिनेशन ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल। मैं बहुत अलग स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ, बहुत अलग एक्टिंग द वे ऑफ अप्रोचिंग माय कैरेक्टर है मेरा। जिम बहुत अलग स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग से आते हैं। कृति का अलग तरीका है किसी कैरेक्टर को अप्रोच करने का, हर्ष का अलग है, जोआ का अलग है, अंकुर का अलग है। इन सब की सारी बेस्ट बेस्ट चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी चुरा के अपने पास रखनी है कि ये इट जस्ट बिकेम नाउ नेक्स्ट टाइम, नाउ नॉट इवन नेक्स्ट टाइम, उसके बाद से जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास दो तीन और नजरिए हैं एक स्क्रिप्ट को देखने के, दो तीन और तरीके हैं और दो तीन और वेज हैं टू अप्रोच अ कैरेक्टर, एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। एंड अगर मैं आपके अगर कैरेक्टर की बात करूं तो एक ग्रे टाइप्स का आपका कैरेक्टर है, जहां तक मेरा नॉलेज है पहली बार आप तरह के किरदार में मैं आपको देख रहा हूँ, तो बता पाएंगे कि इस तरह के कैरेक्टर में जब आप आते हैं तो क्या, क्योंकि अगर मैं आपकी पर्सनालिटी को देखती हूँ तो एक माचो मैन दिखता है, लेकिन अगर ऐसे ग्रे कैरेक्टर में तो आप थोड़ा सा कुछ बताइए कि ये डिफरेंट था आपके लिए, मैं भी आपको डिफरेंट अंदाज में ट्रेलर में देखा तो कैसा रहा ये सब कुछ आपके लिए। यार बहुत एक्साइटिंग था बिकॉज जैसे मैंने कहा मुझे पहले कभी मौका नहीं मिला ऐसे कुछ काम करने का, तो मुझे जैसे ही मिला मैंने झवट्टा मार के ले लिया वो मौका। एंड देन इट वाज ऑल मी एंड बिजॉय एंड द एंटायर टीम वर्किंग टुगेदर, और अलग अलग तरीके के आइडियाज हम सब लगा रहे थे कि यार ये कन्विंसिंग लगता है, ये अच्छा लगेगा, ये नहीं अच्छा लग रहा, कितने 100 आइडियाज हमने रिजेक्ट किए होंगे तो हम एक आइडिया पे लॉक करते होंगे। सो उस तरह की देन वर्कशॉप्स वर देयर जिसमें हम सब आपस में रीडिंग्स भी
कर रहे थे और अपने अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर भी कर रहे थे. एक एक एक्सरसाइज में तो हमने एक दूसरे के कैरेक्टर्स एक्सचेंज करके प्ले किए थे. सो दैट गेव अस अ लॉट ऑफ इनसाइट टू आवर ओन कैरेक्टर एज वेल कि यार ये तूने अच्छा पकड़ा, ये मैंने क्यों नहीं पकड़ा था, ठीक है मैं ऐसा कुछ करता हूँ मेरे कैरेक्टर में, लेट मी फिगर आउट दिस साइड ऑल्सो. सो क्योंकि टीम इतनी अच्छी थी साथ में काम करने वाली, इट जस्ट बिकेम इजियर फॉर मी रादर देन स्केरी. एंड पुरकित जी एक चीज जो मैंने देखा, ये पहले फिल्म बनकर आने वाली थी थिएटर में एंड नाउ अब ये जो है Zee5 ऐप पर आ रही है, अब इसे सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, तो कैसे देखते हैं अब ये ऑडियंस एंड आप कैसे देखते हैं ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं? पिछले मतलब देखा लॉन्ग टाइम देखा ढेर सारी फिल्में जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म, अब आपकी ये सीरीज कह सकते हैं हम आ रही है, तो कैसे देखते हैं ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है हमारे बीच में? हाँ पता है क्या, एक्चुअली मजे की बात ये है कि टैश जो है 29 अक्टूबर को फिल्म की तरह भी रिलीज हो रही है 2 घंटे की और सीरीज की तरह भी रिलीज हो रही है 6 एपिसोड्स की. सो दोनों फॉर्मेट, हमारी जो भूख थी कि यार फिल्म तो फिल्म होनी चाहिए तो फिल्म भी है, और जो भूख थी कि यार जो सीरीज वाले जो बिंज वॉच करते हैं लोग वो वाला ऑडियंस क्यों छोड़े हम जब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर ही रहे हैं फिल्म अपनी. तो सो बिजॉय देन came up with this brilliant idea कि मैं एक अलग narrative बना के इसी movie को you know एक अलग तरीके से स्टोरी टेलिंग करके एक सीरीज की तरह भी रिलीज करता हूँ. एंड ही टुक ऑन द चैलेंज एंड दोनों में स्टोरी टेलिंग बहुत अलग है, दोनों में एक्सपीरियंस बहुत अलग है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि यू नो कौन दोनों फॉर्मेट्स देखेगा, कौन सिर्फ फिल्म देखेगा, कौन सी ऑडियंस सिर्फ सीरीज देखेगी, क्योंकि मैं पहले फिल्म देखूंगा, फिल्म के मजे ले लूंगा 2-2.5 घंटे आराम से, उसके बाद मैं बिंज वॉच करूंगा सीरीज को लेके. सो और ये पूरी टीम इसी बात को लेके एक्साइटेड है कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है. यू नो नॉर्मली जैसे आपने कहा अगर फिल्म आ रही है या तो वो कन्वर्ट हो जाएगी सीरीज में या फिर सिर्फ सीरीज बन रही होगी या फिर सिर्फ फिल्म बन रही होगी, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ फिल्म इज कमिंग विच इज ऑल्सो रिलीजिंग एज अ फिल्म एट द सेम टाइम एज अ वेब सीरीज. चलिए ये बहुत ही अच्छी बात है, हम इसके लिए भी एक्साइटेड हैं. और जैसा कि स्टार्टिंग में आपने लॉकडाउन की बात की, तो पुरकित जी जब मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया तो लॉकडाउन में बहुत सारे एक्टर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज को लॉकडाउन में उन्होंने सीखी, तो पुरकित जी ने ऐसी कोई बात जो लॉकडाउन के दौरान जो नहीं आती थी एक्टिविटीज वो सीख वो किया है पुरकित जी ने? जो मुझे नहीं आता था, एक्चुअली मुझे ब्रेड बेकिंग का बड़ा शौक है यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्रेड बेकिंग, बट मुझे कभी आती नहीं थी क्योंकि कभी टाइम भी नहीं मिला था. तो मैंने लॉकडाउन में ब्रेड बेक करनी सीखी और नाउ आई कैन ब्रेक माय ओन ब्रेड्स एंड आई डू दैट दैट आई लव अ लॉट, इट्स वेरी मेडिटेटिव. सेकेंडली आई रियली लव म्यूजिक, सो मैंने पियानो बजाना शुरू कर दिया और पियानो सीखना शुरू कर दिया है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी मेडिटेटिव. सो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट during the you know to stay calm and focus during the lockdown as well, and it's one of my personal favorite interests that I have, music. So mujhe bada maza aa raha hai. I wish ki aisi hum aur bhi activities aage aane wale dinon mein dekhenge. And unki ji ek cheez ab hamare industry dekh rahe hain, hum dheere dheere start ho chuki hai, start ho gayi hai, events dheere dheere start ho rahe hain, to sabse badi baat hum hui hai कि आपके जो सबसे करीबी है आपके दोस्त माने जाते हैं सलमान खान जी, उनका जो है बिग बॉस जो साल का सबसे हाई लाइटेड शो होता है टीआरपी वाला वो चालू हो गया है, तो आपसे जानना चाहूंगी क्या देखते हैं फॉलो करते हैं कुछ देख पाते हैं आप, या वीकेंड का वॉर आता है सलमान फॉलो कर पाते हैं आप उनकी जी? नहीं जितना मैंने देखा था मैं प्रमोशन से पहले देख पाया था, जब से प्रमोशन स्टार्ट हुए तैश के तब से मैं एक्चुअली फॉलो नहीं कर पाया हूँ, बट मैंने आई थिंक प्रीमियर एपिसोड देखा था, उसके 2-3 बाद भी फॉलो अप किया था, फिर हमारा मूवी का ट्रेलर पोस्टर आ गया था और फिर प्रमोशन स्टार्ट हो गया था. बट यस ऑब्वियसली यार एवरीबडी इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल एंड इट्स जस्ट फिनोमिनल टू सी दैट पीपल लाइक सलमान भाई आर रियली यू नो इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस टू एंड शोइंग ऑल ऑफ अस हिम एंड ऑल्सो अक्षय सर. They are all showing to all of us ki yaar life nahi ruk sakti, show must go on.
सो प्रिकॉशंस लीजिए अच्छे से. यू नो आई होप दैट एवरीबडी हु इज प्लानिंग टू शूट नाउ और गो टू शूट्स नाउ दे फॉलो द सेम एग्जांपल एंड मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन द सेट इज सेफ. अ बायो बबल इज क्रिएटेड एंड यू नो द शो डजंट स्टॉप एंड इट डजंट इवन कॉस्ट एनीबडीज लाइफ और हेल्थ. तो कुछ बता सकते हैं आप कि जितना भी आपने देखा आपका फेवरेट कंटेस्टेंट जिसे आप कह सकते हैं कि हाँ ये मैं एक्चुअली एजाज मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही. जब मैं यू नो जब मैंने अपना काम शुरू किया था तब से मुझे एजाज का काम बहुत अच्छा लगता है. आई फाइंड हिम वेरी कूल एंड ही इज यूजुअली वेरी कूल पर्सन एज वेल. सो आई विश हिम द लक and actually wish luck to the entire team here, all the contestants, but Ijaz ko thoda sa tha because I know him personally as well and I know he's a great person. And chaliye main aapki baat karunga. Maine suna ki is aane wale dino mein 21-22 mein aap aur Kriti ji ki, Kriti Kharbanda ji ki dheero sare filmen aa rahi hai, to kuch iske baad lockdown ke baad aap kuch bata sakte hain ki back to back humne suna hai ki dheero sare project aa rahe hain, to तकरीबन 21 में कितने प्रोजेक्ट होंगे आपके एंड कृति मैडम के साथ में? नहीं अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं लॉक किया है. अभी तो ये तैश ही है जिसमें हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन शी इज ऑपोजिट जिम, शी इज नॉट ऑपोजिट मी एंड या शी हैज अ ग्रेट लाइनअप फॉर नेक्स्ट ईयर दैट आई एम अवेयर ऑफ एंड आई एम रियली हैप्पी about the work that she's doing and I really admire the work that she does. So I wish her all the best. Jo bhi unka lineup hai, I'm very proud of her lineup. And for myself, meri haathi mere saath hi aa rahi hai. Wo theaters mein release ho rahi hai Jan mein, Makar Sankranti ke avsar par aur Pongal ke avsar par. And then there is Fukre 3 which we are very soon about to start filming. To uske liye puri team bahut excited hai. So yes, 21 is going to be, you know, I'm looking forward to 21, just like everybody else, in fact. So, Haathi Mere Saathi ke liye excited hai aap, jis tarah se jitna bhi hame kuch dikhaya gaya tha, TV program jitna dikhaya gaya tha, Pulkit ji kitne excited hai Haathi Mere Saathi ke liye? Bahut excited hu yaar, bahut passion se banayi hai wo film, aur wo meri first aisi film hai, jo humne 3 languages mein shoot kiya hai, Hindi, Tamil, Telugu. So I'm very excited. It's a collaboration between people coming from Tamil industry, from Telugu industry and from the Hindi industry working together to make sure that people in all these markets are entertained equally. So mere liye bahut hi kareebi, mere dil ke kareebi hai wo film. Rana hai us film mein. Rana is an encyclopedia on cinema. Unse aap cinema ki baat 24 ghante kar sakte hain aur aapko wo aisi aisi baat batayenge ki aap मतलब आप पूरे दिन बोर नहीं हो सकते उनके साथ. पूरा दिन आप एंटरटेन रहेंगे कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ऐसा हुआ था उस मूवी में, अच्छा ये कहानी थी, दिस इज हाउ दैट मूवी शेप्ड अप, टेक्निकल नॉलेज, ही हैज सच अमेजिंग टेक्निकल नॉलेज. एंड देन देयर इज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन इन द फिल्म, विष्णु विशाल, वो तमिल एक्टर है, ही इज फैंटास्टिक अगेन. इट हैज बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस अगेन बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद प्रभु सोलोमन हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. And he has a very, you know, different kind of a vision when it comes to, he literally paints his frames onto the screen. So I'm very excited about that one as well. But abhi filhal, tash aur sirf tash chal rahi hai dimaag mein. Kyunki 29th October sirf bas aa hi gaya. And I'm looking forward to the reaction from the audiences and from the people in the industry as well. Ki unko mera kaam kaisa pasand aata hai isme. जी, एक मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल. आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का टाइम है एंड सोशल मीडिया पर हम देखते बहुत सारी बातें होती है, लोग सोशल मीडिया पर प्यार करते हैं, हेट करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं. इन दिनों जो सोशल मीडिया पर एक बातें हो रही हैं आपके और कृति जी के बारे में कि पॉजिटिविटी की बातें हो रही है कि बहुत ही ब्यूटीफुल कपल है आप लोग, जहां भी दिखाई देते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं. क्या आप लोग 21 में ऐसे कुछ शादी की प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों का सवाल है, तो पुलकित जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मोस्टली थैंक यू सो मच यार फॉर द लव एंड योर विशेस. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, बट राइट नाउ इज द टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन करियर्स.
on her individual careers for her also. As I said, I'm very proud of the work she's doing and she has done so far. And I'm very happy with her growth. And it's the time to grow together. So both of us are right now focusing on our careers. Aur main sirf isliye aapko ye answer kar raha hu, nahi to main hans deta. क्योंकि अभी तो मतलब शादी दूर दूर तक हमारे जहन में नहीं है. मैं इसलिए आंसर कर रहा हूँ ताकि ये जो जितनी भी बातें चल रही हैं, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड, बट जितनी भी बातें चल रही हैं उन सबको थोड़ा ठहराव मिल जाए और क्लियर आंसर मिल जाए कि नहीं, अभी हम बिल्कुल शादी के बारे में सोच भी नहीं रहे. वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर वर्क एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द अपॉर्चुनिटीज दैट लाइफ इज थ्रोइंग एट अस एंड वी जस्ट वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट टुगेदर एंड एज इंडिविजुअल्स. 29th of October, कितना बेसब्री से इंतजार है. मुझे डबल बेसब्री से इंतजार है. करेक्ट, वही तो मैं उसको यही बोलता हूँ. मैं कह यार ये अक्टूबर में नहीं रिलीज हो रही थी, मैंने बोला 29th अक्टूबर करने के लिए ताकि तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट कर सकूं मैं. सो या आई एम एक्साइटेड, आई एम डबली एक्साइटेड अबाउट 29th अक्टूबर. In fact, triply excited because film tash release ho rahi hai, series tash release ho rahi hai, aur Priti ka birthday bhi hai. So I'm very, very excited. हमारी तरफ से आपको good luck. अपने fans के लिए, अपने fans के लिए कुछ कहेंगे आप? Sorry? अपने fans के लिए कुछ कहेंगे आप जिन्हें आपकी फिल्मों का, आपके सारे project का इंतजार बहुत ही बेसब्री से होता है? Yeah, I'm very thankful for all the love that people have been showering on me so far, and I hope I don't disappoint them in future as well. Picture to zarur dekhega 29th October ko Z5 pe premiere ho rahi hai. But definitely apne aap ko safe rakhiye. Virus gaya hai, virus nahi gaya hai, sirf lockdown gaya hai, virus abhi bhi hai. So please maintain social distance aur mask pehne rakhiye and haathon ko saaf sutra rakhiye, sanitize karte rahiye. And अपना अपना ध्यान रखिए बस. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका.